भटकना कमर मडक तू लचक लचक के यू ना भटक हर नजर नजर तुझ पे तू जरा संभल संभल के रहना रे सकली तू कहां चली ओ मजक गली कहां तेरी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका जहूर आपके हुजूर हाजिर एक फिर नई वीडियो के साथ और मेरठ से फिर आपके लिए अय्यूब भाई का शौक तो अय्यूब खलीफा और शौक दिखा रहे हैं आइए आपकी मुलाकात कराते हैं काले चांदने वाले भाई मशहूर हैं काले चांदने जी उस्ताद जी ये अय्यूब भाई क्या भी शौक देखने आए मैं शौक तो नहीं का देखना अच्छा वो तो बोलो मैंने ऐसे उड़ा के कबूतर दिखा दिया अपने उनके लिए भी चलो नहीं दे कबूतर मैं शौक अय्यूब अच्छा आज अय्यूब भाई शौक दिखा रहे हैं जी, ये हैं अय्यूब भाई कौन सा एरिया है ये मेरठ बुढ़ाना गेट बुढ़ाना गेट है अच्छा तो कित आज क्या शौक दिखाएंगे आप बस शौक से ही देखना कितने कबूतर का शौक है आज ये 81 कबूतर है अच्छा 81 अच्छा तो दौड़ाएंगे आज जी इंशाल्लाह तो उस्ताद जी को स्पेशली बुलाया आपने शो देखने के लिए और अय्यूब भाई ने बड़ी जो है रिक्वेस्ट करी बड़ी मोहब्बत में कई बहुत दिनों से जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे थे बुला रहे थे तो इनकी मोहब्बत में आज हम आए हुए हैं यहाँ पर शौक दिखाने के लिए आपको माशाल्लाह जी और साथ में और भी हमारे भाई आए हुए हैं ये अकबर भाई हैं हमारे ये अकबर भाई हैं और ये भाई ये नईम भाई हैं ये हमारे छोटा भाई ये नईम भाई इनके छोटा भाई ये जी मेरठ के उस्ताद हैं अच्छा उस्ताद निजाम अच्छा माशाल्लाह चलो कबूतरबाजी के जुनून की तरफ से जो है उस्ताद की खिदमत में सलाम है तो गोलेबाजी की सब उस्ताद गोलेबाजी तो यहाँ मेरठ की बहुत मशहूर है माशाल्लाह ये सब गोलेबाजी तो उस्ताद जी किस जगह शो करते हैं मेरठ में मेरठ रशीद नगर रशीद नगर में तो उस्ताद जी आपके पास उस्तादी की पगड़ी यही मेरठ की है कहीं बाहर की मेरठ की मेरठ कौन से उस्ताद की बल्लू उस्ताद की बल्लू उस्ताद की ठीक है तो दिल्ली में भी आपके शागिर्द हैं या मेरठ में ही है दिल्ली में भी शागिर्द अच्छा किस जगह पर ओखला में बताओ ओखला में किस जगह पर सोनू ओखला मेन बाजार गांव में बटला उसके पास जी कमल सोनू नहीं नहीं हाँ कमल सोनू जी 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 और दोनों भाई वो और एक तो सोनू है अरे खुशी है अच्छा ठीक है और बहुत 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 अच्छा लगा उस्ताद जी आपसे मिल के ओखले में ओखले में रहता हूँ जी और ये हमारे जो है तारिक अली भाई जी भाई ये कौन सा भाई ये सलमान भाई हैं ये अदनान भाई फहद भाई हैं पीछे अबूजर भाई और आदिल भाई हैं ये भाई ये भाई के बेटे हैं ये अच्छा माशाल्लाह जी भाई तन्नू भाई हैं और ये सब शौक देखने आए हैं अय्यूब भाई का ये हमारे नईम भाई इन पर माशाल्लाह टाइम नहीं रहता मगर आज बड़ी टाइम नहीं जो बात जी 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 तो आइए अब आपको कबूतर दिखाते हैं ये है कबूतर खलीफा अय्यूब के मेरठ से उस्ताद अख्तर तालीम ये 80 हैं तकरीबन नर मादी ने मिला के काले चांद ने सारे एक रंग काला चांद था भाई ये है नर मादिन दिखाता हूँ ये मादिन है वाह जी वाह काले चांद ने ये नर और मादिन मिला के 80 हैं मैकपाई की रोज ये मेरठ से आपके लिए शौक लेकर आया हूँ उस्ताद अख्तर तालीम से खलीफा हैं खलीफा अय्यूब उनका शौक है शौक दिखा रहे हैं आज 19 दिसंबर 2021 अभी दिखाते हैं इन्हें बड़ी छोटी सी छत है भाई 80 कबूतर छोटी सी छत पे उड़ते हैं तो वाकई जो है देखने वाली चीज है शुरू होने से पहले खत्म है ये तो छत और इसमें कबूतरबाजी के जुनून इसी का नाम है उस्ताद जी
जी सलाम। अभी कबूतर थी फलाम फिर बनाता हूँ। ये कबूतर खुल गए अय्यूब भाई के काले चांद ने। वाह भाई वाह। ये मेरठ से बुढ़ाना गेट पट्टा इसमें छोड़ा हुआ क्यों था? अलग निकालते थे? नहीं निकाल रहे। कोई बात नहीं। मेरठ बुढ़ाना गेट से अय्यूब भाई खलीफा अय्यूब का शोक। आज है 19 दिसंबर 2021। बड़ी ठंडी हवा है। ये गया छतों से लगा हुआ जा रहा है। वाह वाह भाई वाह। गोतियां मार गया गोतियां मारता हुआ जा रहा है कबूतर छतों से नहीं। ये देखो जी घंटाघर है मेरठ का घंटाघर। क्या टाइम हो रहा है? फराज भाई टाइम देख के बताओ और कितना जूम करूँ कितनी क्लैरिटी चाहिए। वाह भाई वाह मजा आ गया। कबूतर गया हुआ है 80 काले चांद ने। ये आ रहे घंटा करके ऊपर से क्लॉक टावर। ये भाग्या बिना भाई मजा आ गया रंग देख के। एक रंग काले चांद ने बखानों के नीचे बैठ गया। ठीक नहीं रहा भाई बहुत पड़ जा रहा है बहुत ही पड़ जा रहा है। दिख ही नहीं रहा क्या जूम करने से फायदा है। वाह वाह जी वाह मजा आ गया भाई। और पूरा यकीनन आपको भी मजा आएगा। वाह भाई वाह। एक रंग काले चांद ने 80 काले चांद ने। दिख रहा है किधर गायब है। बहुत अच्छी हवा चल रही है और सर्दी भी बहुत बढ़िया हो गई। 2 से 6 का टेम्परेचर था कल का, आज का हो सकता और कम हो। फर्राटेदार हवा है ठंडी ठंडी। अय्यूब भाई के 80 काले चांद ने उस्ताद अख्तर तालीम से मेरठ घंटाघर बुढ़ाना गेट और कबूतर लापता। वाह भाई वाह। कैसा लगा भाई दौर आपको शौक? अल्लाह जवाब मुझे क्या, मैं तो देखने वाले बताएंगे हमारे जितने व्यूअर्स। ये बताएंगे आपके जो सैलानी आए हुए। हमें शौक बहुत बढ़िया लगा। ये तो दिखा नहीं भाई अभी। इस तरफ से इधर से ये साथ से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत लंबा हाथ बनाया कबूतर ने।
वाह वाह भाई वाह। वाह वाह भाई वाह, चाप पर गिरी है। वाह भाई वाह, वाह जी वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, लाजवाब। वाह 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 भाई वाह, मजा आ गया। एक मकान से उठता है, दूसरे के नीचे डुबकी लगा देता है, दूसरे से उठता है, तीसरे के। वाह वाह भाई वाह, वाह जी वाह। क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मजा आ गया भाई। उस्ताद जी आप मेहनत वसूल हो गई, आपको तो मतलब खुशी हो रही होगी कि आप बनाया तो मतलब मतलब कुछ करके दिखा दिया। कह रहा है जो खलीफा कुछ करके दिखा भाई, कैसा लग रहा है उस्ताद के मुँह से? अरे उस्ताद तारीफ कर रहे हैं आपकी, माशाल्लाह। और कबूतर आपके हिसाब से उड़ रहा जैसे आपने उम्मीद? वाह जी वाह, मजा आ गया। जी सबसे किधर से देखा? वाह जी वाह, मतलब मजा बांध दिया कबूतर ने। जो परगरी और खूबसूरती, चाल ढाल लाजवाब। वाह जी वाह, मैं घर से 6 बजे निकला हूँ सुबह, ठंड में, इसीलिए इस चौक को देखने के लिए और दिखाने के लिए। मजा आ गया और यकीनन कि मेरी मेहनत, मजा आ गया भाई साहब, मेहनत वसूल हो गई। और ठंड में निकला हम सब, हाँ। इसी का नाम कबूतरबाजी, एक जुनून है। बस बस बिल्कुल उसी चीज का आ गया। 11 11 मजा बांध दिया। देखो बिल्कुल जिस मकान के ऊपर से गया था ना, उसी मकान के ऊपर से वापस आया कबूतर। वाह वाह, कितना पड़ जा रहा है भाई। वाह भाई, मैं मजा बांध दिया था, कितना पड़ जा रहा है कबूतर। दिख रहा है ये हरे मकान के बिल्कुल नीचे से जा रहा है। तो मजा आ गया भाई, छवा भी नहीं, छवा भी नहीं, लाजवाब, बेमिसाल, बेजोड़। वाह जी वाह, वाह जी वाह भाई। मेरठ शहर में अगर किसी को मौका मिले यहाँ अयूब भाई का शौक देखने का, तो यहाँ शौक देखने जरूर आए भाई इनका। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मजा बांध दिया कबूतर ने। ये घंटा घर है, टाइम साथ में लगा हुआ है। बहुत ही शानदार, हर हाथ गायब है कबूतर, हर हाथ गायब है। और सबसे बढ़िया चीज जो है इस कबूतर की खूबसूरती, एक तो अपने आप में रंग बड़ा खूबसूरत है, 80 के 80 काले चांदने, एक आधा कोई और रंग होता है एक अलग बात है, और बहुत ही खूबसूरती से छतों से लगा उड़ रहा है, होते मारता हुआ जा रहा है। जी भाई, मशहूर है जी जी जी, अभी देख रहे हैं क्या मतलब। अच्छा किसी पब्लिक को देखना क्या मतलब उस्ताद जी, मजा बन गया कबूतर ने, दिल खुश हो गया ना, दिल खुश हो गया उस्ताद, मुबारक हो आपको, खास तौर से कबूतरबाजी जुनून की तरफ से जो है, मेरी तरफ से बहुत। इंशाल्लाह तुम्हारा किसकी बनेगी?
दिल खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अभी वो चालना का तो चालू नहीं कर रहा, दो दिन पहले चालू कर रहा है। अब 9-8 मिनट मारता हुआ कबूतर है वो कासनी, थोड़े से भी रास्ता मेरा उससे कम कायम था। मैं वाह जी वाह। देखो उस्ताद जी कह रहे हैं कि तोड़ आमद और देखना। देखो जी आमद और देखे, आमद दिखाओ जी। वाह भाई वाह, वाह जी वाह, क्या क्या करके दिखाओगे उस्ताद जी। इतनी मतलब चूड़ियों की चाल से उड़ कबूतर उड़ रहा है और फिर हाथ दिखाते हैं जो है। और ये देखो सबसे बड़ी बात कि आमन तो है उस्ताद अख्तर की, हर छत पे आमन मिलेगी। लेकिन आप ये गौर करो ये छत कितनी बड़ी है। ये देखो इतने सारे पब्लिक है, ये जाल है इतना सा, और ये आगे मुश्किल से कितनी 5 गज की छत होगी। पहले लोग तो 100 गज का मकान खरीदते हैं कबूतरबाजी के लिए। ये 5 फुट बाई 5 फुट की छत में जो है 80 कबूतर ये, और हाथ दिखा दे ये देखो। ये खोते देखना, इसके खोते, ये खोते टकरा ना जाएंगे। अयुब भाई नीचे कोई बुला रहा है आपको। भाई माफ करना क्योंकि इसकी इतनी स्पीड है कि कैप्चर ही नहीं कर पा रहा मैं इनको स्पीड की वजह से। कैमरा कितनी स्पीड से उनके पीछे लगा रहा हूँ लेकिन उनकी स्पीड ज़्यादा है, आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, पल जगह पर तेज गायब हो रहे हैं। बहुत ही मज़े के उड़ रहे हैं भाई। भाई अयुब भाई का कबूतर है, 3 किलोमीटर दूर आगे आ रहे हैं। मैं तब पा गया 100 फीट पे काले दुबार चढ़ने, ये कहने पहुंच गया, कैंड पे पहुंच गया कबूतर। मजा आ गया भाई, मजा ही मान दिया हमारे देखने वाले सबका। नाम तो मुझे एकदम याद ही नहीं रहेगा, खास तौर पे हमारे चरण बाजी चरण अरोड़ा जी देख कर बताएंगे, और हमारे कनाडा से टीटू बिट्टू बाजी, क्या कहते हैं आप, पटियाले हैं ये आपके वाले काले चांदने, कैसे लगे आपको? हाँ जी हमारे गुलाम भाई, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। मतलब आप ये सोचिए कि मैं अपने यहाँ से ओखला से सुबह 6 बजे ठंड में निकला, 6 डिग्री टेम्परेचर से उस्ताद जी के पास पहुँचा बल्ली मारहाना, फिर वहाँ से फिर मैं मेरठ के लिए निकले। इतनी सर्द में सर्द जो है सर्दी पड़ी हुई है, और उसके बाद हम यहाँ जो पहुँचे हैं ना, वाकई हमारी मेहनत वसूल हो गई, तबीयत खुश हो गई। अभी तो नहीं दिख रहा भाई मुझे कबूतर जी, नहीं मैं टाइम स्किप नहीं कर रहा, बिल्कुल जी बिल्कुल जी 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 बिल्कुल वसूल हो गया। मैं सोच रहा था कि उस्ताद जी अपना 350 का लंगर छोड़ गए, तो संडे का दिन छोड़ कर क्यों आए, पता चला क्यों आए। वाह वाकई वाह, मैं ऐसा शौक हो रहा है ये कि अगर मौका मिले तो मैं हर संडे आऊं यहाँ शौक देखने आपका। यारिया भाई आगे दिखाइए, यारिया भाई जोर भाई टावर की सीट मारिए। हाँ हाँ टावर की सीट भाई आ रहे हैं, मतलब हर खूबी है कबूतर में, सीत पट्टी चाल ढाल परगरी और अब क्या ऊपर से डालना है, ऊपर से जो होते लगा रहा है ना, जो होते लगा रहा है ना ये ऊपर से। वाह भाई वाह, डुबकियां कैसी डुबकी ये आया भाई, दिखा चाल अपनी जरा, चाल सीटी पर जाना भैया, सीटी पर जाना।
से गोते देखो ये घुस गया घरों में गोते देखो आप गोते आप वीडियो में देखना वीडियो में देखना वीडियो में कवर कर दिया मैंने बिल्कुल छतों से लगा हुआ जा रहा है ये मैं याद दिला दूं आपको उस्ताद अख्तर तालीम से अय्यूब खलीफा है मेरठ से घंटागढ़ से गुड़ाना गेट पे और इनके 80 काले चांदने को शौक दिखा रहे थे आज और वाकई शौक हो तो ऐसा बड़ा प्यारा सादा बड़े सादगी के साथ अय्यूब भाई ने कबूतर खोले और बड़ा मजा बांध रखा है कबूतर ने हर हाथ कबूतर गायब है सुल्तानपुरी में उस्ताद जी नहीं नहीं वो उस्ताद लासी जो है अच्छा 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 भाई वाह वाह भाई वाह मजा बांध दिया भाई कबूतरों ने तबीयत खुश हो गई आपको भी यकीनन मजा आएगा बेजोड़ कबूतर नहीं दिख रहा भाई क्या डुबकी लगाई है इसने वाह भाई वाह ये कोई ऊंचा ऊंचा मत करवाओ भाई नहीं इसका अपना मजा है इसका अपना मजा उस्ताद जी पट कबूतर का उस्ताद जी शहर में तो उड़ाने को पट मौका मिलता नहीं कि तोड़ियां इतनी मुंह पे आती हैं ऊपर उड़ाना पड़ता यहाँ तो ऐसा नहीं है ना हमारे भाई हैं बहुत ही बढ़िया कुछ कुछ सेकंडों के लिए रोक दी थी ये देखो आवा देखो वाह वाह वाह
जगह देखो आप जगह कितनी बड़ी जगह है, शुरू होने से पहले खत्म है। छोड़ दिया सर जी? अच्छा अभी वो साढ़े ग्यारह तक लाएंगे, वो खलीफा के खोलेंगे, उनके भी देखना। अच्छा जाना उनके आगे जान गए। वाह भाई वाह, जितनी तेज इनकी परगरी है और जिस हिसाब से उड़ा है ना, जल्दी से बैठता नहीं है कबूतर। चलो चलो अरे करो ये फिर गायब, हर हाथ गायब है, ऐसा नहीं है कोई हाथ ओछी करके आ रहा है। वाह जी वाह, मजा बांध दिया कबूतर ने। वाह भाई वाह, गायब लापता। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको अय्यूब भाई का शौक उस्ताद अख्तर तालीम से? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा के रखिए, इसमें ऑल नोटिफिकेशन को, जिससे जो है मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। बहुत सारे हमारे दोस्तों की शिकायत है कि भाई आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप जब सब्सक्राइब करें तो साइड में बेल आइकन बना होता है घंटा, तो उसको प्रेस कर दें और उसके अंदर एक ऑल का ऑप्शन आता है, वो क्लिक कर दें, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक पहुँच जाएगा उसका नोटिफिकेशन। और मजा मजा रखा अय्यूब भाई कबूतर ने, हर हाथ गायब है, हर हाथ गायब। और आमद जो है आसमान में से छत में घुस जाता है आगे और चक्की खा के जा रहा है, जैसे उड़ा लो वैसे जा रहा है, होते मारता हुआ। क्या डुबकियाँ लगा रहा है कबूतर, मजा मजा रखा है। एक बार फिर इनकी आमद देखना, मेरे ख्याल में अब ये छोड़ देंगे। ये छत दे ना, छत कितनी बड़ी छत है, कहाँ कूदेंगे आगे। ये देखो इतनी बड़ी छत है कि छत दिख भी नहीं रही, और उसी में कबूतर आके पर का पर बैठ रहा है, यानी कि कोई कबूतर। ये देखो कितनी बड़ी छत के अंदर कबूतर, 80 कबूतर है ये पटियाले, और मजा मान रखा है कबूतरों ने। I
अब तो गया है वो जुड़ के साथ में। वाह भाई वाह। तो दोस्तों कैसा लगा आपको अय्यूब भाई का शो मेरठ के मुढ़ाना से और घंटागढ़ से? हमें तो बड़ा मजा आया शो देखने में और यकीनन आपको भी मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अच्छा शो आपको पसंद है और आप देखते हैं तो इसी तरीके से आपके दोस्तों को भी शो अगर ये अच्छा शो पसंद है तो उनको हमारे वीडियो ज़रूर दिखाइए। माशाल्लाह वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और आपके सपोर्ट से हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि जो हम सुबह 6 बजे उठकर सर्दी में 6 डिग्री टेम्परेचर में मेरठ शहर पहुंच जाते हैं आपको शो दिखाने के लिए। जगह ही नहीं है, दिल्ली में जगह होनी सही है। इसी का नाम है दोस्तों कबूतरबाजी का जुनून। ये है कबूतरबाजी का जुनून मोमेंट। नहीं वो सच। अरे पानी लेगा बेटा। अरे लड़के में भी टकराएंगे। शोक देखने आए थे, कैसा लगा आप सबको शोक? मजा आ गया, बहुत शानदार। और उस्ताद अख्तर के बारे में क्या कहना है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, दिल्ली की आन और शान है ये, और बहुत बड़े उस्ताद दिल्ली के माने जाने हस्ती उस्ताद अख्तर उस्ताद, जिन्हें यहाँ की इंडिया के अंदर नहीं ओल्ड वर्ल्ड में पहचाना जाता है, पाकिस्तान तक के अंदर माशाल्लाह इनकी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। माशाल्लाह लाजवाब खिलाड़ी है उस्ताद जैसे हमारे, माशाल्लाह बहुत बड़े आदमी है। जी जी भाई, कुछ और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत खूब भाई साहब, बहुत अच्छा लगा शौक देख कर भाई का। और उस्ताद के बारे में? उस्ताद बहुत अच्छे उस्ताद अख्तर उस्ताद, उन्होंने अभी कबूतर भी लड़ाए थे मैदान में। तो आप इनके शागिर्द ही हैं? नहीं, मैं अकबर उस्ताद का शागिर्द हूँ। अच्छा, ये हमारा अकबर भाई की शागिर्द। अच्छा, अकबर खलीफा उस्ताद पर मुतालिम से। अच्छा 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 अच्छा, ये भी चांदे पालते काले। अच्छा, ये पालना नहीं, ये भी काले अकबर भाई। तो अकबर भाई आपको कैसा लगा अय्यूब भाई का शो? अय्यूब भाई का कबूतर बहुत लाजवाब उड़ा जी, मेरठ में नंबर 1 कबूतर उड़ा। अच्छा,